जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज हम घटना चक्र के जीव विज्ञान की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पार्ट टू को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने पार्ट वन को ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, तो अभी तक जिन विद्यार्थियों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्तों वर्गीकृत से संबंधित जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट PCS तथा IAS प्री में पूछे गए हैं उनको हम लोग एक एक कर देखेंगे। दोस्तों आज हम केवल एक ही चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि इस चैप्टर में जो है दोस्तों 130 प्लस क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने केवल एक ही चैप्टर को आज इस वीडियो में लिया है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन का हमारा फर्स्ट सवाल है दोस्तों, जीव वैज्ञानिकों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत अधिक मात्रा में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या है। तो दोस्तों सबसे अधिक किसकी संख्या है, तो कीटों की संख्या है। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। जीव वैज्ञानिकों के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक संख्या कीटों की है। कीट जो है दोस्तों किसके अंतर्गत आते हैं, तो ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं तथा ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत कुल ज्ञात जंतु जातियों में से लगभग 60% ऑर्थोपोडा संघ के हैं। दोस्तों जंतु जल स्थल तथा वायु सभी जगहों में पाए जाते हैं। पादप जातियों की संख्या लगभग 4 लाख है दोस्तों, तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है, अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। ये सही है दोस्तों, अमीबा जो है विभंजन या द्विखंडन क्रिया द्वारा जो है जनन करता है। कारण इसका दिया गया है कि सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। ये भी सही है दोस्तों, क्योंकि सभी जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो अलैंगिक विधियों द्वारा जनन करते हैं, यानी कथन भी सही है और कारण इसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए होगा। तो अमीबा एक प्रोटोजोवा एक कोशिकीय जंतु है जो कि प्रायः द्विविखंडन विधि द्वारा जनन करता है। प्रायः सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधि द्वारा जनन करते हैं दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक जैसा बनाए रखते हैं दोस्तों। तो गर्म रुधिर में हम लोग आते हैं दोस्तों और कुछ स्तनी भी आते हैं। तो समतापी यानी होमियोथर्मल अर्थात गर्म रुधिर वाले वे जंतु हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित न होकर सदैव एक सा रहता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो इसके अंतर्गत पक्षी, स्तनधारी यानी हम लोग भी इसी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। जबकि असमतापी के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, तो मत्स्य, उभयचर यानी एम्फीबियन और सरीसृप यानी रेप्टाइल्स आदि जंतु आते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं। दूसरा है, गोलकृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। तीसरा है, अस्थिन मछलियों में वाताशय आमतौर से विद्यमान होता है। और चौथा है, उपास्थिसम मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। तो इसका कौन सा सही नहीं है दोस्तों, तो सभी इकाइनोडर्म्स जो होते हैं सजीव प्रजक होते हैं, यह बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इकाइनोडर्म समुद्र में पाए जाने वाले पंचतई एडिय यानी पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री वाले ड्यूटोरोस्टोमी यूसोलोमेट यूमेटाजोवा होते हैं दोस्तों, जिनकी डिभंग प्रावस्था में शरीर की सममिति द्विपार्श्वीय यानी बायलेटरल होती है तथा सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक यानी विविपेरस नहीं होते हैं। इस प्रकार विकल्प ए का कथन सही नहीं है, जबकि अन्य जो है प्रश्न मतलब जो विकल्प दिए गए हैं दोस्तों वो सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है, तो दोस्तों स्टार फिश जो है वह मछली नहीं, जबकि साफ फिश
पाइप फिश और गिटार फिश, ये तीनों जो है दोस्तों मछलियाँ हैं। कुछ समुद्री जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं, परंतु ये मछलियाँ नहीं है। जैसे कौन कौन सा है दोस्तों, तो जेली फिश है, आपको ध्यान रखना है, स्टार फिश है, सिल्वर फिश है, कैटल फिश है, हेक फिश है, रेजर फिश है और फ्राई फिश है। इनके नाम के लास्ट में लगा हुआ है फिश, तो ये नहीं समझना है कि ये मछलियाँ है, ये मछलियाँ नहीं है दोस्तों, और यही कन्फ्यूजन होता है। तो आपको याद रखना है कि जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, हेक फिश और रेजर फिश, ये सब मछलियों की श्रेणी में नहीं आते हैं। निम्न में से कौन सा एक वास्तविक मीन है, तो वास्तविक मीन कौन सा है दोस्तों, तो कैट फिश है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक कैटल फिश है और एक कैट फिश है, तो कैट फिश जो है दोस्तों वास्तविक मछली है, जबकि कैटल फिश जो है मछली नहीं है। तो ये याद रखना है, कन्फ्यूजन नहीं रखना है यहाँ पर। तो रजत मीन यानी सिल्वर फिश एक छोटा पंखहीन कीट है, याद रखना है कि जो सिल्वर फिश है एक पंखहीन कीट है। क्रे फिश एक कड़े खोल वाला जानवर है। जेली फिश कशेरुकी जंतु नहीं है तथा यह मछली की श्रेणी में नहीं आता। कैट फिश वास्तविक मीन है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से वास्तविक रूप से मछली है, तो वास्तविक रूप से मछली कौन सा है दोस्तों, तो समुद्री घोना। यहाँ सभी के नाम में फिश लगा हुआ है, स्टार फिश, जेली फिश, हैक फिश, तो अभी मैंने बताया है कि ये सब मछलियाँ नहीं है। वास्तविक मछली कौन सा है दोस्तों, तो समुद्री घोड़ा यानी सी हॉर्स। तो सितारा मछली, सितारे नुमा इकाइनोडर्म श्रेणी का जंतु है। तो ये भी याद रखना है कि स्टारफिश जो है किस श्रेणी का जंतु है, तो इकाइनोडर्म श्रेणी का जंतु है। जेली फिश जो है दोस्तों ओरिला को कहते हैं। जेली फिश किसको कहा जाता है, ओरिला को कहा जाता है, जो कि संघ सिलेंट्रेटा का एक जंतु है। तो याद रखना है कि जेली फिश किसके श्रेणी के अंतर्गत आने वाला जंतु है, तो सिलेंट्रेटा के अंतर्गत। हैगफिश साइक्लो एस्टोमेटा समूह का जंतु है, तो ये भी याद रखना है आपको। इनमें जबड़ों का अभाव होता है, यह भी वास्तविक मछली नहीं है। समुद्री घोड़ा या अश्वमीन भी कहा जाता है इसको, हिप्पोकैट कैंपस ये भी, और हिप्पोकैंपस को कहते हैं, जो कि एक वास्तविक अस्थिर मीन यानी बोनी फिश है दोस्तों। तो समुद्री घोड़ा या अश्वमीन या कौमा हिप्पोकैंपस को कहते हैं दोस्तों, जो कि एक वास्तविक मीन है, यानी सी हॉर्स वास्तविक मीन है दोस्तों, बाकी जो अन्य विकल्प दिए गए थे वो वास्तविक मीन नहीं है। निम्न में से कौन सा एक मछली है, तो मछली कौन सा है दोस्तों, अभी मैंने बताया कि समुद्री घोड़ा जो है वास्तविक मछली है दोस्तों। सबसे पुराना स्तनपाई कौन सा है, तो सबसे पुराना स्तनपाई कौन सा है दोस्तों, तो वेल, सॉरी दोस्तों सबसे बड़ा स्तनपाई कौन सा है, तो सबसे बड़ा स्तनपाई जो है दोस्तों वेल मछली है। ब्लू वेल पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपाई जीव है। इसकी लंबाई जो है दोस्तों 33 मीटर से अधिक तथा इसका वजन 180 मीट्रिक टन से भी अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है, तो किस वर्ग का प्राणी है दोस्तों, तो यह एक स्तनपाई जंतु है। नेक्स्ट, निम्न से कौन सा स्तनपाई है, तो स्तनपाई कौन सा है दोस्तों इसमें से, तो वेल जो है स्तनपाई है दोस्तों। निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली वेल में विशालतम है, तो दांत वाली वेल में सबसे विशालतम कौन सी है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है, सी ऑप्शन है स्पर्म वेल और डी ऑप्शन है दोस्तों हैमबैक। तो दोस्तों इसमें जो स्पर्म वेल है जो दोस्तों वह विशालतम दांत वाली वेल है। पूर्ण वयस्क नर स्पर्म वेल 50 से 55 फीट लंबी तथा 35 से 45 टन वजनी होती है दोस्तों। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है, तो कौन है दोस्तों, तो एकिडना जो है दोस्तों वह अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देता है। तो एकिडना याद रखना है दोस्तों, और प्लेटिपस एकमात्र अंडे देने वाला स्तनपाई जीव है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शनल है दोस्तों, इसलिए ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि एकिडना और प्लेटिपस एकमात्र अंडे देने वाला स्तनपाई जीव है। नेक्स्ट है, उड़ने वाला स्तनपाई कौन सा, तो उड़ने वाला स्तनपाई कौन सा है दोस्तों, तो आप लोग जानते होंगे कि चमगादड़ है। चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक स्तनपाई प्राणी है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता। ये पूर्ण रूप से निशाचर प्राणी है, यानी रातों में भ्रमण करता है ये दोस्तों। एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है, इसके अग्रबाहु पंख में परिवर्तित है। ये भी याद रखना है कि चमगादड़ का जो अग्रबाहु है वह पंख में परिवर्तित हो गए, जो देखने में झिल्ली के समान लगते हैं। त्वचा की यह झिल्ली गर्दन से लेकर हाथ की उंगलियों तथा शरीर के पार्श्व भाग से होती है हुई पूंछ तक चली जाती है एवं पंख का निर्माण करती है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है दोस्तों चमगादड़ से रिलेटेड, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है, तो चमगादड़ जो है दोस्तों स्तनपाई है,
पक्षी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह। आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सा स्तनधारी नहीं है। तो कौन सा स्तनधारी नहीं है दोस्तों, तो समुद्री गाय और समुद्री जो सी है दोस्तों वह स्तनधारी नहीं, जबकि समुद्री जो घोड़ा यानी सी हॉर्स जो है वो है क्या दोस्तों, वो स्तनधारी नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्तनधारी इसमें से कौन सा है, तो समुद्री गाय है स्तनधारी यानी मैमल्स है, और ये समुद्री सी जो है ये भी स्तनधारी, जबकि समुद्री घोड़ा जो है स्तनधारी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और 3। तो समुद्री गाय एक विशाल शाकाहारी समुद्री स्तनधारी है, समुद्री घोड़ा एक प्रकार की कशेरुकी मछली, अभी मैंने बताया था सी हॉर्स जो है एक प्रकार की कशेरुकी मछली है दोस्तों, समुद्री सी भी एक स्तनधारी है दोस्तों, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो डॉल्फिन किसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं, तो स्तनी के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन एक जलीय जंतु है जिसे स्तनी वर्ग अर्थात मैमेलिया के गण सिटेशिया में रखा जाता है। यह एक अत्यंत ही बुद्धिमान जंतु है जिसका शरीर धारा रेखित होता है तथा इनके मादा में चूजक उपस्थित होते हैं। गंगा नदी में पाई जाने वाले डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सील किस जाति का है, तो सील किस जाति का है दोस्तों, तो यह स्तनपाई है सील। सील या फोका एक स्तनपाई जंतु है जो गण कार्निवोरा के अंतर्गत आता है। यह एक जलीय चुस्त एवं शक्तिशाली स्तनधारी जंतु है जो कि मांसाहारी होता है। शिकार करने के लिए इनमें नुकीले कैनाइन दांत पाए जाते हैं तथा तैरने के लिए इनमें चंपू या फ्लिपर्स उपस्थित होता है दोस्तों, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, निरीशंस प्राणी कौन सा है, तो दोस्तों जो ओटर है जिसको आप उदबिलाव कहते हैं उसे निरीशंस प्राणी माना जाता है, और ये बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। तो उदबिलाव या ऑटर एक निरीशंस प्राणी है जो कि स्तनपाई जीव है। व्हेल का शरीर धारा रेखित यानी स्ट्रीम लाइन होता है तथा इसकी त्वचा के नीचे वसा का मोटा बल्बर शरीर में तापरोधक का कार्य करता है दोस्तों, तो ये मोटा लेयर है जिसको हम लोग बल्बर बोलते हैं ब्लबर, और यह क्या करता है, तापरोधक का कार्य करता है दोस्तों। नेक्स्ट है, एम्फीबिया बताता है, तो एम्फीबिया किसको कहते हैं दोस्तों, तो जो जल और स्थल दोनों में रहता है यानी जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को क्या कहा जाता है, एम्फीबिया कहा जाता है। तो एम्फीबिया अर्थात उभयचर वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनका शरीर जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए उपयोजित होता है। ये जंतु असमतापी होते हैं जिनके शरीर का तापमान वातावरण ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है, जैसे मेढक है और टोड है, ये सब असमतापी जंतु होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है, तो कौन सा है दोस्तों, जानने की इच्छा प्रकट करना, ये जो गुण है दोस्तों मनुष्य का इसे जो है सभी वानर गुणों से पृथक करता है। बुद्धि में मानव सर्वोच्च जंतु है, सिर्फ इसी जंतु में गूढ़ चिंतन, जानने की इच्छा प्रकट करना, तर्क संगत तथा अक्षरबद्ध वाणी तथा भौतिक मुद्राओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति इत्यादि की क्षमताएं होती है। वर्तमान काल में इसकी कपाल गुहा का आयतन कितना है दोस्तों, तो याद रखना है 1475 जो है औसतन क्यूबिक सेंटीमीटर है। निम्न में से कौन सा एक कपी नहीं है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कपी इसमें से कौन सा है नहीं है, तो लंगूर जो है कपी नहीं है, बल्कि लंगूर किसके श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो ये वानर श्रेणी के अंतर्गत आता है। और एक और बात याद रखना है दोस्तों कि कपी को दो पार्टों में ब्रेक किया गया, कौन कौन सा है, तो एक वृहत कपी होता है, एक लघु कपी होता है, मतलब छोटा कपी और महाकपी। तो छोटा कपी में जो आता है दोस्तों उसका नाम है गिबन, ये सबसे छोटा कपी है, जबकि बड़ा कपी में कौन कौन सा आता है दोस्तों, तो आता है इसमें गोरिल्ला, आपको याद रखना है, ओरंगउटान, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सबसे छोटा कपी का नाम क्या है, तो गिबन है, याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो कपी प्राणी जगत में होमिनोइडिया महापरिवार की सदस्य जानवर जातियों को कहा जाता है। इनकी दो मुख्य शाखाएं हैं, हिन कपी या छोटे आकार के कपी होते हैं जैसे गिबन, महाकपी या बड़े आकार के मानव युक्त कपी होते हैं जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, मनुष्य और ओरंगउटान। लंगूर कपी कपी वर्ग में नहीं बल्कि वानर वर्ग में शामिल किया जाता है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था।
नेक्स्ट है मानव सदृश लघुत्तम कपि कौन सा है, तो मानव सदृश लघुत्तम कपि कौन सा है दोस्तों, तो गिवन है। नेक्स्ट है नीलगाय निम्नलिखित कुल में आती है, तो नीलगाय किसके अंतर्गत आती है दोस्तों, तो हिरण के अंतर्गत आती है, हिरण कुल के अंतर्गत में वो आती है नीलगाय। तो नीलगाय भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति है। मृग उन जंतुओं को कहा जाता है जिनमें अस्थायी सिंह होते हैं, याद रखना है कि जिनमें अस्थायी सिंह होता है उन्हें मृग कहा जाता है, अर्थात हिरणों के सिंह गाभों के समान नीलगाय के सिंह हर साल गिर कर नए सिरे से नहीं उगते हैं दोस्तों, इसलिए नीलगाय को हिरण की कुल की श्रेणी में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपको, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाया जाता, तो किस जंतु में खुर नहीं पाया जाता, तो गीदड़ में जो है दोस्तों खुर नहीं पाया जाता। गीदड़ को छोड़कर शेष खुर वाले पशु हैं गीदड़ कुत्ते के परिवार की प्रजाति, तो ये भी याद रखना है कि गीदड़ जो है कुत्ते के परिवार का एक प्रजाति है। सामान्य गीदड़ों का वैज्ञानिक नाम क्या होता है दोस्तों, तो कैनिस आरियस होता है। गीदड़ों के पैर जो है नाखून युक्त गदीदार होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ऑक्टोपस है, तो ऑक्टोपस किस कौन है इसमें से दोस्तों, तो एक मृदु कवच मोलस्क, ये जो है ऑक्टोपस है दोस्तों। तो ऑक्टोपस एक मृदु कवच यानी मोलस्क जंतु है जिसे डेविल फिश के भी नाम से हम लोग जानते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों। यह एक सिफेलोपोड मोलस्क है जिसमें 8 मुखीय भुजाएं पाए जाते हैं। इसके सिर में मुख तथा 2 बड़े नेत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा इनकी भुजाओं पर 2 पंक्तियों में चूसक पाए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है सबसे बड़ा अकेसरुकी है, तो सबसे बड़ा अकेसरुकी कौन सा है दोस्तों, तो यह स्क्विड है। स्क्विड जो है सबसे बड़ा अकेसरुकी है दोस्तों, साइंस में भी नाम अजब अजब से होते हैं। तो कोलोसल स्क्विड सबसे बड़ा अकेसरुकी है दोस्तों, यह अधिकतम 12 से 14 मीटर तक लंबा होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जीव अन्य तीन जीवों के वर्ग का नहीं है, तो इसमें से कौन सा जीव अन्य तीनों के जैसा नहीं है दोस्तों, तो यह है केकड़ा। ये केकड़ा जो है अन्य तीनों से भिन्न है, यानी बड़ूथी से, बिच्छू से और मकड़ी, इन तीनों से भिन्न है कौन सा, केकड़ा। क्यों है अब इसका रीजन देखते हैं। तो केकड़ा जो है दोस्तों किस संघ के अंतर्गत आता है, तो मैलेको एस्ट्रोक संघ के अंतर्गत आता है, और जबकि बड़ूथी, बिच्छू और मकड़ी जो है दोस्तों एडाइकनिडा वर्ग के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है, तोते की, मोरों की, कुकुटों की या उल्लूकों की, तो व्हाइट जो है दोस्तों व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है किसकी दोस्तों, तो यह कुकुटों की एक जो है कुकुटों की क्या है दोस्तों, एक कुकुटो व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है, तो किसकी किस्म है दोस्तों, तो यह कुकुटों की एक किस्म है। नेक्स्ट है टीन और माइट वास्तव में होते हैं, तो टीन और माइट वास्तव में क्या होते हैं दोस्तों, तो मकड़ी वंशी होते हैं टीन और माइट, तो ये याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। तो टीक तथा माइट वास्तव में मकड़ी वंशी होते हैं जो कि एरेनी के अंतर्गत आते हैं। इनके उपांग संधि युक्त होते हैं यानी जॉइंटेड होते हैं तथा इनका शरीर बाइलेटरल एवं त्रिस्तरीय होता है। अधिकांश टीक कशेरुकी जीव के बाह्य परजीवी होते हैं जबकि माइटस परजीवी एक स्वतंत्र जीवी है, तो ये भी आपको याद रखना है माइटस क्या है, तो स्वतंत्र जीवी होते हैं। नेक्स्ट है जुगनू होता है एक, तो जुगनू क्या है दोस्तों, तो जुगनू एक कीट है दोस्तों। जुगनू या खद्धोत कीटों का एक परिवार है, इनके पंख होते हैं, यह जीव दीप्ति उत्पन्न करके अपनी संगी को आकृष्ट करते हैं या दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि जुगनू की चमक ल्यूसीफेरस नामक एंजाइम के द्वारा होता है, तो ये भी याद रखना है, ल्यूसीफेरस नामक इनमें एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण ये चमकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है, तो कीट कौन सा नहीं है दोस्तों, तो यह मकड़ी जो है किट नहीं है, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों बीपीएससी के लिए जिसे आपको ध्यान में रखना है। मकड़ी जो है मकड़ी वर्ग एरिकनिडा तथा क्रम एरिनी का एक जंतु है जो कि उदर के पश्च भाग में स्थित ग्रंथियों के स्राव से जाला बनाती है। सभी मकड़ियां परभक्षी होती हैं। अन्य विकल्पों के जंतु कीट वर्ग के अंतर्गत आते हैं, इनमें 3 जोड़ी अर्थात 6 पाद पाए जाते हैं, याद रखना है कीट में कितना जोड़ी पाद पाया जाता है दोस्तों, यानी लेग्स पाया जाता है, तो 6 जोड़ी, 6 यानी 3 जोड़ी यानी 6 लेग पाया जाता है दोस्तों।
जो कि सभी कीटों का विशिष्ट गुण है। मकड़ी कीट वर्ग में नहीं आता क्योंकि इसके 8 पैर होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकड़ी कीट में भिन्न होते हैं क्योंकि मकड़ी में क्या पाया जाता है, तो अभी मैंने बताया कि क्योंकि मकड़ी में 4 जोड़े पैर पाए जाते हैं यानी 8 टांग पाई जाती है मकड़ी में, जिसके कारण इसे कीट नहीं माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है, तो सेम क्वेश्चन है, मकड़ी जो है कीट नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, देखिए कितने बार विभिन्न स्टेट पीसीएस में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है, तो किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है दोस्तों, तो तिलचट्टा का जो रक्त होता है वो सफ़ेद होता है। ऑक्सीजन हेतु हीमोग्लोबिन का प्रयोग न करने के कारण तिलचट्टे के खून का रंग लाल नहीं बल्कि रंगहीन होता है। कॉकरोच के रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन नहीं किया जाता, इसका रंग भी लाल नहीं होता क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता। कॉकरोच के शरीर के प्रत्येक खंड में स्थित ट्यूब्स की एक प्रणाली के माध्यम से कोशिकाओं तक सीधे ऑक्सीजन पहुँचती है। इनका रक्त रंगहीन तथा सफ़ेद रंग होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, जब चींटियाँ काटती हैं तो वे अंतक्षेपित करती है, तो कौन सा अंतक्षेपित करती हैं दोस्तों, तो फॉर्मिक एसिड, याद रखना है आपको। तो चींटियों के काटे जाने पर शरीर में फॉर्मिक अम्ल का अंतक्षेपण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में दर्द तथा चुनचुनाहट का आभास होता है। फॉर्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है, यह भी याद रखना है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कार्बोजेलिक श्रेणी का प्रथम सदस्य है, जिसका दैनिक उपयोग कीट जीवाणुनाशी के रूप में तथा रबड़ के व्यवसाय तथा फलों के रसों को सुरक्षित करने में किया जाता है। तो ये फॉर्मिक एसिड का उपयोग दिया गया है दोस्तों जीवाणुनाशी के रूप में, रबड़ के व्यवसाय में तथा फलों के रसों को सुरक्षित करने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है, तो मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है दोस्तों, तो गौस्मिड रेशम कहलाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, फीता कृमि उभयलिंगी है, गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं, फाइलेरिया सूत्र कृमि से होता है और गिनी कृमि एनेलिड है, तो इसमें से कौन सा सही है, तो दोस्तों इसमें से 1, 2 और 3 बिल्कुल सही है, यानी जो है फीता कृमि उभयलिंगी होता है, ये बात बिल्कुल सही है। गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं, ये भी सही है, और जो है दोस्तों, और जो है 3 यानी फाइलेरिया सूत्र कृमि से होता है, ये भी सही है, जबकि गिनी कृमि जो ग्यूनिया वर्म है एनेलिड संघ का है, यह बिल्कुल गलत है दोस्तों। अब देख लेते हैं इसका रीजन। प्रश्नगत कथन 1, 2, 3 सही, जबकि कथन 4 सही नहीं है, क्योंकि गिनी कृमि एक सूत्र कृमि है जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस है। यह मनुष्य तथा कुछ दूसरे स्तनियों का परजीवी जंतु है जिसके संक्रमण से शरीर में दम्मा, याद रखना है क्या होता है, शरीर में दम्मा होता है, इससे उल्टी, खुजलाहट, इओसिनोफिलिया इत्यादि के लक्षण प्रकट होते हैं। यह सब शरीर में इस परजीवी के विषैले पदार्थ के प्रभाव के कारण उत्पन्न होता है, तो ये याद रखना है दोस्तों, इसके कारण होता है गिनी कृमि के कारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं, तो कौन सा रात्रि में उड़ता है दोस्तों, तो सभी को ये आप लोग जानते होंगे, तो मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। तो रात्रिचर जंतु वे जंतु है जो कि दिन में आराम करते हैं किंतु रात्रि में सक्रिय रहते हैं। इन जंतुओं में प्रायः श्रवण तथा ज्ञान इंद्रिया अत्यधिक विकसित होती है एवं दृष्टि क्षमता विशेष अनुकूलित होती है। मच्छर, चमगादड़, उल्लू, कीवी, याद रखना है ये भी, कीवी भी जो है रात्रिचर जंतु है, इत्यादि जंतु रात्रिचर होते हैं। मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, केवल नर रक्त चूसते हैं, बिल्कुल गलत है, नर रक्त नहीं चूसते हैं दोस्तों, केवल मादा जो होती हैं वो नर चूसती हैं। मादा पौधे का रस चूसते हैं, ये बिल्कुल गलत है, मादा पौधे का रस चूसती नहीं है बल्कि नर जो है ये पौधे का रस चूसते हैं। मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं और नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं, तो इसमें कुछ कन्फ्यूजन है दोस्तों, इसका आंसर देख ले, बाकी 3 में तो कन्फ्यूजन नहीं, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों दिया गया, तो डी, यानी केवल जो है, सॉरी, इसमें केवल जो दिया गया 2 और 5 सही है, यानी 2 और 5 कौन कौन सा है दोस्तों, तो सॉरी दोस्तों मैंने गलत यहाँ पर कर दिया, तो केवल 2 और 5 सही है दोस्तों, याद रखना है आपको यहाँ पर, सॉरी, हाँ यहाँ केवल 2 और 5 सही है, तो केवल मादा रक्त चूसती हैं, यह बात सही है, और नर की अपेक्षा मादा के जो डैने होते हैं वो बड़े होते हैं, सॉरी दोस्तों मैंने यहाँ पर गलत बता दिया, थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं इसको, तो केवल मादा रक्त चूसती हैं और नर की अपेक्षा मादा के जो डैने होते हैं वो बड़े होते हैं, बाकी 3 जो है ये दोस्तों यह गलत है, यानी केवल नर रक्त चूसते हैं यह गलत है।
मादा पौधों का रस चूसती है, यह बिल्कुल बात गलत है। और मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, यह भी बात गलत है दोस्तों। केवल कौन सा सही है, तो केवल मादा रस चूसते हैं। शायद मैंने सही ही बोला था, देखो एक बार चेक कर लूँगा मैं अपनी वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी प्राणी आंत्र में जल का संग्रह कर लेती है? तो कौन सा है प्राणी दोस्तों? तो ऊंट जो है आंत्र में जल का संग्रह कर लेता है। तो ये याद रखना है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि इनका शरीर पूर्णतः मरुस्थल के प्रति अनुकूलित होता है। इनके पैर गद्देदार होते हैं, श्वसन की लय अति धीमी गति होती है तथा ये एक बार में अत्यधिक जल को पीकर जल का संग्रह अपनी आंत्र यानी इंटेस्टाइन में कर लेते हैं दोस्तों, जिससे कई दिनों तक उन्हें जल की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? सेम क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये सेम क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे ऊँट नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे ऊँट कौन सा होगा? तो कंगारू चूहा जो है बिना पानी पिए हुए काफ़ी लंबी अवधि तक यह रह सकता है। क्यों रह सकता है देखते हैं। तो कंगारू चूहा बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है। उसमें एक अनुकूलता उसके उत्सर्जन तंत्र की विशेष संरचना एवं कार्य प्रणाली के कारण। क्यों होता है ऐसा दोस्तों? तो उत्सर्जन तंत्र के विशेष संरचना और कार्य प्रणाली के कारण ऐसा होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? तो कौन सा उत्सर्जित करता है ठोस? तो कंगारू चूहा। सर्पों की विष ग्रंथियां किसकी समांग है? तो किसके समांग है दोस्तों? तो याद रखना है, कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समांग है ये। सर्पों की विशेष ग्रंथियां कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समांग है। सांप का विष वास्तव में उसकी लार का ही परिष्कृत, याद रखना है कि जो सांप का विष होता है उसकी लार का ही परिष्कृत रूप है दोस्तों। नेक्स्ट है, सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है। तो किसका रूपांतरित रूप है दोस्तों? तो जंभिका दंत का रूपांतरित रूप है। तो विषैले सांपों में ऊपरी जबड़े की मैक्सिली हड्डियों के एक से तीन जोड़ी बड़े एवं पीछे की ओर मुड़े विषदंत तालु से मुख ग्रासन गुहिका में उभरे रहते हैं। यह मैक्सिलरी दंत ऊपरी जबड़े में ही स्थित विश्व ग्रंथियों से संबंध होते हैं दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों इससे रिलेटेड, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, चट्टानों पर उगने वाले पादप कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? तो शैलोद्भिद कहलाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? तो कौन सा है कीटहारी पादप है दोस्तों? तो घटपर्णी जो है यानी पीचर प्लांट जो है एक कीटहारी पादप यानी यह कीटों को खाता है। घटपर्णी पौधा शिकार पकड़ने की अपनी बनावट के कारण मांसभक्षी पौधे के रूप में जाना जाता है। घटपर्णी पौधे में फंसे कीट उसमें एकत्रित विषैले द्रव में से भर जाते हैं। नेक्स्ट है, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो कौन सा रूपांतरित होता है दोस्तों? तो यह वह उस भाग का नाम है पत्ता यानी लीफ। तो घटपर्णी मांसाहारी कीटभक्षी पौधे होते हैं जो अल्प खनिज या अम्लीय मृदा में उगते हैं तथा जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये कहाँ पर उगते हैं याद रखना है, जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है वे यहीं पर उगते हैं। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को अपना सहारा बनाते हैं, क्योंकि अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाता है दोस्तों तो ये कीटों को अपना सहारा बना लेते हैं और नाइट्रोजन उससे ले लेते हैं यानी अपने भोजन बना लेते हैं, मतलब नाइट्रोजन को ग्रहण कर लेते हैं कीटों से। इन पौधों की पत्तियों के पर्णफलक कलश या सुराही की भांति विकसित होते हैं जिसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे ही कोई कीट पत्तियों के अंदर प्रविष्ट होता है वैसे ही कलश के ढक्कन द्वारा ढक लिया जाता है और पाचक एंजाइमों द्वारा नाइट्रोजन का पाचन घटपन द्वारा कर लिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर जो है घटपर्णी जो है दोस्तों परजीवी आवृत्ति बीजी है बिल्कुल सही नहीं है, जबकि ईस्ट जो है किण्वन यह सही है। कैसीन जो है दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन है यह भी सही है। और एलोवेरा जो है दोस्तों आवृत्ति बीजी है यानी एंजियोस्पर्म प्लांट है यह बिल्कुल सही है। घटपर्णी या नेपेंथिस का
पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है। यह प्रायः ऐसे स्थान पर उगता है जहाँ की मृदा में नाइट्रोजन, मैंने आपको बताया कि जहाँ की मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है वहीं पर घटपर्णी का पौधा आपको देखने को मिलेगा, जिसकी पूर्ति नाइट्रोजन की पूर्ति ये कहाँ से करते हैं तो कीटों को पचाकर करते हैं। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर दिया गया कि जो घटपर्णी है जलोद्भिद है, बिल्कुल गलत है, जलोद्भिद नहीं है, बल्कि अमर, जबकि अमरबेल जो है दोस्तों तना परजीवी सही है, चंदन जो है जड़ परजीवी ये भी सही है, और आर्किड जो है एपीफाइट है ये भी सही है दोस्तों। घटपर्णी नेपेन्थिस कुल का कीटभक्षी पौधा है, तो ये भी याद रखना, इसका कुल का नाम क्या है तो नेपेन्थिस। ये पौधे मुख्यतः शाक होते हैं और दलदली या अधिक नम स्थानों पर उगते हैं। जलोद्भिद से आशय अंशतः अथवा पूर्णतः जल निमग्न पौधे से है, तो अंशतः जल, जलोद्भिद का अर्थ होता है दोस्तों अंशतः या पूर्णतः जल निमग्न। इस प्रकार के पादप जलीय पर्यावरण में रहने एवं विकसित होने के लिए अनुकूलित होते हैं। चंदन आंशिक मूल परजीवी होते हैं दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेपेन्थिस नामक दुर्लभ एवं अपातीय पौधे पाया जाता है, तो कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों, तो यह भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। नेपेन्थिस खासियाना यानी घटपर्णी भारत के मेघालय राज्य के गारो, खासिया और जयंतिया की जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों वहाँ पर यह पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है, तो पौधे के किस भाग से हमें हल्दी प्राप्त होता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि पौधे के तने के भाग से हमें हल्दी प्राप्त होता है दोस्तों। पौधे के तने के भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा प्रकंद, ये भी याद रखना है कि हल्दी का खाने लायक भाग कौन सा है, तो दोस्तों प्रकंद, जो कि एक अंतःभौमिक रूपांतरित तने का प्रकार है। ये भी याद रखना है कि किस तने का प्रकार है ये दोस्तों, तो अंतःभौमिक रूपांतरित तने का यह प्रकार है। हल्दी का पौधा एक प्रकंदीय बहुवर्षीय शाकीय पौधा है, जिसका वास्तविक नाम क्या होता है, तो कुरकुमा लोंगा, कुरकुमा लोंगा जो है इसका वास्तविक नाम होता है, तथा यह कुल जिंजीबेरीस के अंतर्गत आता है। तो और ये भी याद रखना है कि किस कुल के अंतर्गत आता है, तो उसके कुल का नाम है जिंजीबेरेसी। इसका उत्पत्ति स्थल उष्ण कटिबंधीय दक्षिण एशिया है, जिसका उपयोग औषधि मसाले तथा रंग आकार इत्यादि के रूप में किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, हल्दी के पौधे का खाने लायक भाग कौन सा है, तो सेम क्वेश्चन है, कौन सा भाग खाते हैं, तो प्रकंद खाते हैं। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है, तो ड्रूप के अंतर्गत इसको रखा जाता है दोस्तों, किसको, लीची को। लीची एक उष्णकटिबंधीय फल है, यह सोपबेरी परिवार का सदस्य है। यह एक प्रकार का ड्रूप है। ड्रूप ऐसे फल को कहते हैं जिसके बाहरी छिलके और गुदे के अंदर एक सख्त गुठली होती है दोस्तों। लीची खाया होगा आपने दोस्तों, तो यह आपने महसूस किया होगा, देखा होगा कि छिलके जो हैं और गुदे के अंदर, छिलके और गुदे के अंदर एक सख्त गुठली होती है, जो कि लीची में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न अधोभूमि उत्पादी सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है, तो रूपांतरित जड़ का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों, तो शकरकंद जो है रूपांतरित जल का जड़ का उदाहरण है, जबकि आलू जो है दोस्तों यह तना का उदाहरण है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो शकरकंद कौवा लवुलेसी कुल का एक वर्षीय पौधा है, पर यह अनुकूल परिस्थितियों में बहुवर्षीय सा व्यवहार कर सकता है। यह एक सुपुष्पक पौधा है, जिसकी रूपांतरित जड़ की उत्पत्ति तने के पर्व संधियों से होती है, जो जमीन के अंदर प्रवेश कर फूल जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है, तो किसका संग्रह तना नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है शकरकंद जो है उसका संग्रह अंग तना नहीं है, जबकि आलू अदरक और गन्ना इसका जो संग्रहक अंग है दोस्तों वह तना है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो गन्ना, आलू, अदरक तने का रूपांतरण है, अर्थात इनका संग्रह अंग तना है, जबकि शकरकंद का संग्रह अंग जड़ कुंभी रूप है, यह मूलांकुर में से विकसित होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तना है, तो तने का रूप कौन सा है दोस्तों, तो अदरक है, सेम क्वेश्चन है, जबकि आप देख रहे हैं दोस्तों गाजर, सलजम और शकरकंद ये जो है ये जड़ का उदाहरण है, जड़ का रूपांतरण है इसमें हुआ है।
तो गन्ना आलू एवं अदरक तने का रूपांतरण है, अर्थात इनका संग्रह अंग तना है, जबकि शलजम गाजर और शकरकंद जड़ों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि क्यों ऐसा है दोस्तों, क्योंकि इसमें नोड और एंटी नोड इंटर नोड होते हैं, इसलिए यह तना है जड़ नहीं। और यह 66 BPSC में पूछा गया सवाल है। तो नोड्स तथा इंटरनोड का उपस्थिति होने से तना का विशेष लक्षण है, चूंकि अदरक में ये संरचना पाई जाती है, अतः यह कहा जा सकता है कि अदरक तना है जड़ नहीं। नेक्स्ट है दोस्तों प्रकंद, प्रकंद का उदाहरण कौन सा है, तो प्रकंद का उदाहरण कौन सा है दोस्तों, तो इसमें देख लेते हैं, तो सी यानी ए का तीन होगा। प्रकंद का उदाहरण कौन सा है, तो प्रकंद का उदाहरण है दोस्तों अदरक, ठीक है। सलकंद का उदाहरण है इसमें से लहसुन। अस्तंभ कंद का उदाहरण है और धनकंद का उदाहरण कौन सा है दोस्तों, आलू। और अस्तंभ कंद का उदाहरण है तो जिमी कंद सूरन। तो ये आपको याद रखना है कि 2-1, तो 2-1 किसमें है, सॉरी 3-1, तो 3-1 एक ही में है दोस्तों, और वो सॉरी 3 और 4, तो प्रकंद, एक मिनट थोड़ा, प्रकंद तो हो गया अदरक, ठीक है, और अस्तंभ कंद हो गया, सॉरी अस्तंभ कंद हो गया आपका आलू, ठीक है, धनकंद सलकंद हो गया लहसुन, और धनकंद हो गया आपका जिमीकंद या सूरन, यानी 3-4 हो जाएगा दोस्तों। तो 3-4 वाला ऑप्शन कौन सा है, तो 3-4 वाला ऑप्शन है दोस्तों सी और डी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब देख लेते हैं कौन कौन से फैक्ट्स हैं, तो प्रकंद का उदाहरण है दोस्तों अदरक, अस्तंभ कंद का है आलू, सलकंद का है लहसुन, और धनकंद का है जिमीकंद सूरन। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है, तो रूपांतरित स्तंभ का उदाहरण कौन सा है दोस्तों, तो आलू जो है रूपांतरित स्तंभ का उदाहरण है। आलू एक अंतःभौमिक रूपांतरित स्तंभ कंद है यानी ट्यूबर है, जिसमें पौधे भोजन का संचयन हो जाता है और इसका प्रयोग भोज पदार्थ के रूप में किया जाता है। इसमें अनेक कलिकाएँ यानी बड्स पाई जाती हैं जो वृद्धि कर नए पौधे का रूप ले लेती हैं। आलू है तो आलू क्या है दोस्तों, तो याद रखना है आलू कंद है। आलू एक भूमिगत रूपांतरित तना है जिसे कंद कहते हैं, ये लगभग गोलाकार होते हैं तथा भूमिगत शाखाओं के अंतिम सिरों के फूलने से इनका विकास होता है। कंदों के पार्श्व भागों तथा शिखर पर नलिकाएं पाई जाती है। आलू की आंखें पर्व संधियों यानी नोट्स को प्रदर्शित करते हैं जिनसे नए पौधे का विकास होता है दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों द्वारा उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्य साहचर्य है, तो कौन सा है दोस्तों, तो यह है कवक मूल। कवक मूल कवकों तथा उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य उपयोगी प्रकार्यक साहचर्य है यानी फंक्शनल एसोसिएशन है, जिससे वे एक दूसरे से लाभान्वित होते रहते हैं। इसमें कवक मृदा से, याद रखना इसमें कवक जो है दोस्तों मृदा से खनिज लवण तथा जल को सोखकर उच्च स्तरीय पादपों को पहुंचाता है, जबकि उच्च स्तरीय पौधे बदले में भोज पदार्थ तैयार कर कवक को उपलब्ध कराते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है, तो माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है किसके किसके बीच का है दोस्तों, तो यह कवक और पौधे के मध्य के बीच का सहजीवी संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों फलीदार पौधे की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है, तो फलीदार पौधे की जड़ों में कौन सा होता है जीवाणु दोस्तों, तो यह होता है सहजीवी। तो फलीदार पादपों की जड़ों में मौजूद गांठों में पाए जाने वाले विशेष जीवाणु कौन कौन से हैं, तो ये जीवाणु का नाम भी कई बार पूछ चुका है, तो राइजोबियम सहजीविता का जीवन यापन करते हैं यानी सिम्बायोसिस का जीवन यापन करते हैं, जहाँ एक और ये जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकरण द्वारा नाइट्रोजन को किसमें बदलते हैं दोस्तों, तो ये भी सवाल पूछा गया कि नाइट्रोजन को ये नाइट्रेट में बदलकर पौधे को उपलब्ध कराते हैं। पौधे डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं लेता है, किस फॉर्म में लेता है, तो नाइट्रेट के फॉर्म में लेता है ये। वहीं पर दूसरी ओर यह फलीदार पौधा इन्हें आवास तथा भोजन उपलब्ध कराता है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। मटर पौधा है, तो मटर जो है साग का पौधा है दोस्तों। मटर का पौधा एक द्विबीजपत्री है, ये भी याद रखना है कि यह द्विबीजपत्री शाकीय तथा एक वर्षीय पौधा है। इस पौधे का तना कमजोर होता है, अतः इसमें सहारे के लिए प्रतान यानी टेंड्रिल पाए जाते हैं और यह कुल
लिग्योमिनेसी के अंतर्गत आता। तो इसके कुल का क्या नाम है दोस्तों, तो इसके फैमिली का नाम है लिग्योमिनेसी। तो ये भी ध्यान में रखना, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है ये। नेक्स्ट है, तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो तना काट किसके लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो यह गन्ने के लिए प्रयोग किया जाता है। गन्ना कुल ग्रेमिनी के अंतर्गत आता है, जिसका ये भी याद रखना, गन्ना किसके अंतर्गत आता है, तो ग से गन्ना, ग से ग्रेमिनी के अंतर्गत आता है, जिसका तना काट आमतौर से कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपागेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका तना ठोस एवं संधिबद्ध होता है यानी ज्वाइंटेड होता है, जिसमें पर्व यानी नोट तथा पर्व संधियाँ यानी इंटरनोट पाए जाते हैं दोस्तों। लौंग है, तो लौंग क्या है दोस्तों, तो बंद कलियाँ हैं। तो लौंग बंद कलियाँ या पुष्प कलियाँ हैं, जिनका उपयोग भोज पदार्थ, दांतों के दर्द निवारक इत्यादि में किया जाता है। लौंग के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है दोस्तों, तो याद रखना है साइजीजियम एरोमेटिकम है, जो कि कुल मिर्टेसी का है। किस कुल का है ये दोस्तों लौंग, तो मिर्टेसी कुल के अंतर्गत आता है। इसका जन्म स्थान इंडोनेशिया को माना जाता है, तो इसका जन्म स्थान कहाँ पर माना जाता है दोस्तों, इंडोनेशिया को। तथा इसका उपयोग समस्त विश्व में किया जाता है। यह एक सदाबहार वृक्ष है, जिसकी ऊंचाई 10 से 20 मीटर तक होती है, तथा इसकी पत्तियाँ बड़ी एवं अंडाकार होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है, तो कौन सी एक पुष्प कलिका होती है दोस्तों, तो उसका नाम है लौंग। लौंग यूजीनिया कैडियो फाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की पुष्प कलिका है, जिसे सुखाकर मसालों, औषधियाँ, भोज पदार्थ इत्यादि के रूप में प्रयोग किया जाता है। लौंग है, तो लौंग क्या है दोस्तों, तो सूखे फल है। नेक्स्ट है, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तो लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है दोस्तों, तो यह शुष्क पुष्प कली से प्राप्त किया जाता है। और यह इंपॉर्टेंट सवाल है, रिपीट भी कर सकता है बीपीएससी। नेक्स्ट है, लौंग एक मसाला, देखिए रिपीट किया ही हुआ, लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तो किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तो फूल की कली से यह प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, अदरक जो है राइजोम है, केसर जो बीज है, और क्या दिया हुआ है, अफीम, अफीम की डूडी है, सन तना है। तो इसमें जो है दोस्तों दिया गया है, जो केसर है वो बीज है, यह बिल्कुल गलत है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। केसर एक मसाला है, जिसे सेफ्रोन क्रोकस के पुष्प की वर्तिका यानी स्टाइल तथा स्टिग्मा से प्राप्त किया जाता है। इस पौधे, ये भी याद रखना है, किससे प्राप्त किया जाता है, ये भी सवाल आपसे पूछा गया है। इस पौधे की वानस्पतिक नाम क्रोकस सैटाइवस है, जो कि इरिडीसी कुल का है, या किस कुल का है दोस्तों, तो इरिडीसी कुल के अंतर्गत आता है। केसर मूल फूल के स्त्री भाग से प्राप्त होता है, यानी गाइनोसियम से यह प्राप्त किया जाता है, जो बीज बनाने वाला भाग है। यह पुष्पीय बहुवर्षीय पौधा, केसर का स्वाद तीखा होता है, तथा इसमें सेफ्रानॉल तथा पिक्रोक्रोसिन नामक रसायन पाया जाता है। इसका उपयोग औषधि एवं भोज पदार्थों को स्वादिष्ट तथा सुनहला बनाने के लिए किया जाता है दोस्तों। केसर होता है, तो केसर क्या होता है दोस्तों, तो फूल के बीज बनाने वाले भाग को केसर कहा जाता है दोस्तों। नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है, नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भागों के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो बोल रहा है कि दोस्तों आलू मूल है, आलू मूल का नहीं उदाहरण है दोस्तों, आलू किसका उदाहरण है, तो यह तना का उदाहरण है। तो आलू का खाने वाला भाग कंद रूपांतरित तना होता है, न कि मूल, अतः विकल्प जो सी है वह बिल्कुल गलत है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने को होता है, तो अभी मैंने बताया कौन सा भाग खाते हैं हम लोग आलू का, तो तना खाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा फल नहीं है, फल है सॉरी, निम्न में से कौन सा एक फल है, तो कौन सा एक फल है दोस्तों, तो भिंडी जो है दोस्तों एक फल है, यानी लेडीज फिंगर जो है एक फल है। भिंडी यानी ओकरा लेडीज फिंगर का पौधा एक पुष्पीय पौधा है, जिसका वानस्पतिक नाम एबेल मोस्कस एस्कुलेंटस है। इसका फल कैप्सूल प्रकार का होता है, जिसमें बीजों की संख्या अधिक होती है। इस फल का संपूर्ण भाग खाया जाता है। अन्य विकल्पों में आलू का खाया जाने वाला भाग तना, तथा मूली एवं शकरकंद का कौन सा भाग खाते हैं दोस्तों, तो जड़ खाते हैं। निम्न से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है, यह VBI क्वेश्चन है दोस्तों। सच्चा फल यानी फॉल्स फ्रूट कौन सा है इसमें से, तो सेब है। फॉल्स फ्रूट किसको कहते हैं दोस्तों, देख लेते हैं। तो जब फल के निर्माण में अंडाशय यानी ओवरी के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल होते हैं, तो ऐसे फल को असत यानी फॉल्स फ्रूट कहते हैं। जैसे उदाहरण याद रखना है, सेब, काजू, नाशपाती जो है फॉल्स फ्रूट के उदाहरण है। और ये VBI सवाल है दोस्तों आगामी BPSC के लिए, जिसे आपको ध्यान में रखना है। पादप कली है, तो पादप कली क्या है दोस्तों, तो पादप कली है एक भ्रूणीय टहनी। वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित
प्ररोह को कली या कलिका कहते हैं। यह किसी पत्ती के कक्ष यानी एक्सिल पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है दोस्तों। नेक्स्ट है, कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है। तो कॉर्क निम्नलिखित में से किस से प्राप्त होता है दोस्तों, तो कवेरकस से यह प्राप्त होता है कॉर्क। तो कॉर्क ओक नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है, जिसका वानस्पतिक नाम क्या है दोस्तों, तो याद रखना है कवेरकस सुबर है। इस पौधे का उत्पत्ति स्थल कहाँ माना जाता है, तो मेडिटेरियन रीजन माना जाता है। कॉर्क अनियमित आकार का पतली भित्ति वाला तथा मोम युक्त को कोशाओं वाला होता है दोस्तों। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों कॉर्क से रिलेटेड, जिसे आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, लहसुन की अभिलाषणिक गंध का कारण है। तो किस कारण लहसुन महकता है दोस्तों, तो यह इसमें सल्फर यौगिक पाया जाता है, जिसके कारण वह महकता है लहसुन। देखते हैं कौन कौन से फैक्ट। तो लहसुन की अभिलाषणिक गंध का कारण गंधक यौगिक यानी सल्फर कंपाउंड है। इसके अलावा प्याज, सरसों के तेल आदि में भी सल्फर पाया जाता है। ये भी याद रखना है कि प्याज में भी क्या पाया जाता है और सरसों के तेल में भी सल्फर पाया जाता है। लहसुन का तेल वाष्पशील तथा महत्वपूर्ण होने के कारण सक्रिय गुण रखता है। इस तेल में सल्फर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जबकि ऑक्सीजन का अभाव इसमें होता है। लहसुन का उपयोग स्वेदजनक, याद रखना है स्वेदजनक, मूत्रवर्धक, कफ निवारक, उत्तेजक आदि के रूप में किया जाता है। तो लहसुन के ये सब फायदे बताए गए हैं दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आता है, क्योंकि प्याज निष्कासित करता है। तो क्या निष्कासित करता है दोस्तों, तो प्याज जो है सल्फेनिक अम्ल निष्कासित करता है, और यह भी आगामी बीपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो प्याज काटने पर सिंथेज नामक एंजाइम निष्कासित होता है। सिंथेज एंजाइम प्याज में उपस्थित सल्फा ऑक्साइड यानी एमिलो, जो कि एक अमीनो अम्ल है दोस्तों, को सल्फेनिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। अस्थायी सल्फेनिक अम्ल अपने को पुनः व्यवस्थित कर साइन प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, जो आँख में आंसू उत्पन्न करते हैं दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है पौधे का जीवन चक्र की दृष्टि से पुष्प। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। यह पौधे के प्रजनन में सहायक होता है। एक पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर मिलकर प्रजनन भागों का निर्माण करते हैं। तो कौन कौन सा, तो पुंकेसर और स्त्री केसर। नेक्स्ट है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है। तो मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है दोस्तों, तो इसमें कैप्सेइसिन की उपस्थिति के कारण मिर्च तीखा हमको लगता है दोस्तों। मिर्च का तीक्ष्ण या तीखा स्वाद एक क्रिस्टलीय पदार्थ कैप्सेइसिन के कारण होता है, और इसका रासायनिक फॉर्मूला दिया गया है C18H27NO3। नेक्स्ट है, लाल मिर्च तीखी होते हैं क्योंकि इसमें उपस्थित होती है। तो देखिए दोस्तों, ये रिपीटेड सवाल है और ये एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो जो सवाल रिपीटेड होते हैं वो और भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्यों होता है, तो कैप्सेइसिन के कारण मिर्च तीखा होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक यानी फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है। तो अपने जीवन के किस चरण में करता है दोस्तों, तो कोषित यानी प्यूपा के चरण में अपने वाणिज्यिक यानी फाइबर्स ऑफ कॉमर्स पैदा करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। रेशम का कीड़ा यानी सिल्क वर्म कोषित यानी प्यूपा अवस्था में वाणिज्यिक तंतु को उत्पन्न करता है। लार्वा चक्र के बाद तैयार प्यूपा के बचाव हेतु यह अपनी लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थों से खोल यानी कोकन तैयार करता है, जिसे रेशम की प्राप्ति की जाती है। रेशम का उपयोग वस्त्र उद्योग में किया जाता है दोस्तों। रेशम कीट किन पर पनपता है, रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं तो कौन है दोस्तों, तो शहतूत की पत्तियों पर रेशम के कीट पनपते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता, तो कौन सा कीटों से प्राप्त नहीं होता, तो मोती जो है दोस्तों कीटों से प्राप्त नहीं होता, जबकि रेशम जो है यह भी कीटों से प्राप्त होता है। शहद मधुमक्खी से प्राप्त, और लाख भी कीटों से प्राप्त होता है दोस्तों। तो रेशम के कीट से रेशम की प्राप्ति होती है। रेशम का कीट शहतूत के पत्तों पर पनपता है। लाख कैडिया लैका एवं लैसिफर लैका नामक कीट द्वारा प्राप्त होता है। याद रखना है लाख किससे प्राप्त होता है दोस्तों, तो यह कैडिया लैका और लैसिफर लैका नामक कीट से प्राप्त होता है। मधुमक्खी सामाजिक कीट है, जो फूल से मकरंद इकट्ठा कर शहद का निर्माण करता है। मोती वस्तुतः मोलस्का संघ के जीव पिंक टैडा एवं पर्ल ओइस्टर द्वारा प्राप्त किया जाता है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी औषधीय फसल है, तो निम्नलिखित कौन सी औषधीय फसल है दोस्तों, तो एलोवेरा, जिसे हम लोग घृत कुमारी के नाम से भी जानते हैं। तो घृत कुमारी या एलोवेरा एक औषधीय पौधा है।
गन्ना तथा कपास जो है दोस्तों यह नगदी फसल है। महुआ एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष है जो भारत के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके फल से तेल तथा इसके फूल से शराब बनाया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि महुआ के फल से क्या बनाया जाता है, तो तेल, और उसके फूल से शराब बनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है, तो किससे प्राप्त की जाती है, तो आवृत बीज पादप से प्राप्त की जाती है। कुनैन मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि है जिसे सिनकोना नामक, याद रखना है, सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। यह पौधा एक आवृत बीज यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। कुनैन एक प्राकृतिक श्वेत क्रिस्टलीय एल्केलॉयड है जिसका स्वाद तीखा होता है। इसका उपयोग जोड़ों के दर्द तथा प्रियान से उत्पन्न रोगों के उपचार में किया जाता है। तो ये VVI क्वेश्चन है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है, तो किससे निष्कर्षण किया जाता है दोस्तों इसका, तो कुनैन बनता है सिनकोना की छाल से। नेक्स्ट है, कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, सिनकोना पादप के किस भाग से आती है, तो यह छाल से आती है। नेक्स्ट है, कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, तो सेम क्वेश्चन है, छाल से। नेक्स्ट है, मलेरिया निदान हेतु आर्टिथर नाम की औषधि प्राप्त होती है, तो किससे प्राप्त होती है दोस्तों, तो ये याद रखना है, बीजीय पादप से यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट से प्राप्त होती है दोस्तों। मलेरिया निदान हेतु आर्टिथर नामक औषधि बीजीय पादप से तैयार की जाती है। एट्रीविन, क्लोरोक्विन इत्यादि औषधि भी मलेरिया निदान हेतु प्रयुक्त होती है, तो ये याद रखना है दोस्तों। तो एट्रेविन और क्लोरोक्विन इत्यादि औषधि मलेरिया निदान हेतु प्रयुक्त की जाती है। ज्ञातव्य है कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोवा से फैलता है, तो याद रखना है। और इसका जो वाहक है मच्छर, उसका नाम है मादा एनाफिलीज इसका वाहक मच्छर है, जो किसका वहन करता होता है दोस्तों, तो एक प्रोटोजोवा है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह है, तो वह कौन सा है दोस्तों, तो वह है क्लोरोक्विन। कुनैन नामक एल्केलॉयड सिनकोना पौधे की छाल से तैयार की जाती है, जो कि मलेरिया रोग के उपचार में उपयोगी होते हैं। किंतु क्लोरोक्विन नामक कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है, क्योंकि इसका भी उपयोग अब मलेरिया उपचार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा निम्नलिखित में से किस पौधे के छाल से प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों, क्लोरोक्विन जो है मानव निर्मित है और इसे किसी वृक्ष से तैयार नहीं किया जाता है, इसलिए इसमें से कोई भी जो ऑप्शन है दोस्तों वह सही नहीं है। इसकी व्याख्या ऊपर वाले क्वेश्चन में दोस्तों आप उसे देखकर इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है, तो उसका नाम है दोस्तों डायटम। डायटम जो है दोस्तों डायटम समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में इसका महत्व है दोस्तों, किसका, डायटम का। एक कोशिकीय डायटम जीव समूह का प्रयोग सोलुइन 350 परीक्षण में डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किया जाता है। तो यह भी याद रखना है, कौन सा टेस्ट होता है दोस्तों, तो सोलुइन 350 परीक्षण यानी सोलुइन 350 टेस्ट होता है। सतूत का फल है, तो सतूत का फल क्या है दोस्तों, तो यह एक सोरोसिस है, याद रखना है आपको, सतूत का फल क्या है, तो सोरोसिस है। सतूत का फल सोरोसिस कहलाता है। यह एक प्रकार का बहु या मिश्रित फल है। अनानास तथा कटहल के फल भी सोरोसिस है, तो यह भी याद रखना है कि सतूत, अनानास और कटहल के फल जो है दोस्तों सोरोसिस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है, तो कौन सा है दोस्तों, तो कपास जो है पौधे के तने का उत्पाद नहीं है, जबकि सन, पटसन और जूट पौधे के तने का उत्पाद है दोस्तों। सन, पटसन तथा जूट के तनों के रेटिंग में रेशा प्राप्त किया जाता है, जबकि कपास के फलों में स्थित बीज के बीजावरण से लगी रेशों से प्राप्त करते हैं, जो कि दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है दोस्तों, ये दो प्रकार याद रखना है आपको, एक बड़ी जिसे लिंट रेशा, लिंट फाइबर कहते हैं, और दूसरी जिसे फज रेशा यानी फज फाइबर कहते हैं। लिंट रेशा व्यापारिक तौर पर अधिक महत्वपूर्ण है, याद रखना है, रेशे में जो लिंट रेशा होता है वह व्यापारिक तौर पर अधिक महत्वपूर्ण होता है, जबकि फज रेशे कम महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट है, लेग हीमो
ग्लोबिन पाई जाती है। तो लेग हीमोग्लोबिन किस में पाई जाती है? तो लिग्यूमिन मूल ग्रंथियों में पाई जाती है लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन लिग्यूमिनोसी या फेबेसी कुल के पौधे, जैसे इस कुल का पौधा आपको याद रखना है, लिग्यूमिनोसी कुल का पौधा कौन सा है? तो अल्फा अल्फा सोयाबीन आदि की मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो कि प्रकृति में नहीं पाया जाता? तो इसका नाम है दोस्तों ट्रिटिकल। ट्रिटिकल जो है मानव निर्मित धान्य है जो कि प्रकृति अवस्था में नहीं पाया जाता। तो ट्रिटिकल मानव निर्मित अनाज या धान है जो कि प्रकृति में नहीं पाया जाता। वैज्ञानिकों ने इसे संकर पौधे को प्रयोगशाला में गेहूं तथा राई, किससे यह बनाया दोस्तों? तो यह बनाया गेहूं तथा राई को परस्पर संकरण करा के तैयार किया है। इस संकरण में गेहूं के मादा और राई के नर भाग का उपयोग किया जाता है। इसका अनाज मूलतः स्वीडन तथा स्कॉटलैंड द्वारा उत्पन्न किया गया है। इसको मुख्यतः पशुओं के चारे के लिए उगाया जाता है। तो यह भी याद रखना है, यह मनुष्यों के खाने के लिए नहीं है बल्कि पशुओं के खाने के लिए। इससे रोटी अच्छी नहीं बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है? सेम क्वेश्चन है ट्रिटिकल। तो ये बीबीआई सवाल है दोस्तों, आगामी बीपीएससी में आपको देखने को ये सवाल मिल सकता है। नेक्स्ट है कैनोला। कैनोला मानव उपयोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों यानी ऑयल सीन मस्टर्ड की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। यह किस्म, इन किस्मों की मुख्य विशेषता क्या है? तो इन किस्मों की मुख्य विशेषता क्या है दोस्तों? तो इसके तेल में इड्यूसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है, यही इनकी मुख्य विशेषता है। और ये आईएसपी 2000 में पूछा गया सवाल है। तो कैनोला खाद्य तेल एक प्रकार, खाद्य तेल का एक प्रकार है जिसे प्राथमिक तौर से कीथ डाउनी तथा बाल्डर स्टीफेंस द्वारा 1970 में कनाडा में उत्पन्न किया गया था। कैनोला के बीजों का उपयोग खाद्य तेल के उत्पादन में होता है जो मानव उपभोग के लिए अनुकूल होता है, क्योंकि इसमें पारंपरिक रेपसीड तेलों की तुलना में इड्यूसिक एसिड की मात्रा कम होती है। इड्यूसिक एसिड की काफ़ी कम मात्रा के अतिरिक्त इसके पोषक गुण भी काफ़ी अलग होते हैं दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों इस क्वेश्चन से नीचे, जिसे आपको ध्यान में रखना है। सूक्ष्म जीवाणु को देखा जा सकता है, तो सूक्ष्म जीवाणु को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है दोस्तों। जीवाणु अति सूक्ष्म एवं साधारण जीवाणु जिनकी लंबाई 2 से 4 माइक्रोन तक होती है, ये भी याद रखना है कि कितना होता है, तो 2 से 4 माइक्रोन तक होती है। कुछ जीवाणु जो होते हैं 60 माइक्रोन तक की लंबाई के होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवाणु को कंपाउंड यानी माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है क्योंकि यह किसी वस्तु को 1500 से 2000 गुना और कुछ में तो यह 4000 गुना बड़ा कर दिखाते हैं दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण गुण है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के, जिसे आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है स्पंजी टिश्यू यानी स्पंजी ऊतक एक ऐसी गंभीर समस्या जिसके कारण आम की किस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है? तो आम की अल्फांसो प्रजाति का निर्यात जो है इसके कारण प्रभावित हो रहा है दोस्तों। तो स्पंजी टिश्यू एक प्रकार का विकार है जो फलों मुक्त अल्फांसो आम की गुणवत्ता को कुप्रभावित करता है। इस विकार के कारण आम कच्चे एवं अम्लीय रह जाते हैं दोस्तों। तो याद रखना है कि इससे आम जो होता है कच्चे एवं अम्लीय रह जाता है। अब कथन कारण से रिलेटेड सवाल है, कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं, इन जीवाणु में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। तो ये बात सही है दोस्तों कि कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित करते हैं, लेकिन इसमें हरित लवक पाया जाता है यह गलत है, यानी कथन एक सही है जबकि आर गलत है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए सही है परंतु आर गलत है। पोषण के आधार पर जीवाणु परपोषी, याद रखना है आपको पोषण के आधार पर जीवाणु जो होते हैं परपोषी और स्वपोषी यानी हेटरोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक होते हैं दोस्तों। स्वपोषी जीवाणु कार्बन डाइऑक्साइड तथा अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये जीवाणु 2 प्रकार के प्रकाश संश्लेषी रसायन संश्लेषी होते हैं। इन जीवाणुओं में हरित लवक का अभाव होता है, याद रखना है कि इसमें क्या होता है हरित लवक का अभाव होता है। कुछ जीवाणुओं में पर्ण हरित यानी क्लोरोफिल से मिलते जुलते रंग द्रव होते हैं जिससे ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीव के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कोई भी कथन जो है सूक्ष्म जीव के बारे में वह सही नहीं है दोस्तों, यानी यह भी गलत है। यानी यह जीवित एवं मृत की सीमा रेखा पर होते गलत है, यह वनस्पति एवं जानवर की सीमा पर होते यह भी गलत है, यह फूल देने वाली वह फूल ना देने वाली वनस्पति की सीमा पर होते यह भी गलत है। और ऐसे ही सवाल बीपीएससी में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखना है आपको। तो जीवाणु सबसे सरल अति सूक्ष्म एक कोशिकीय आद्य जीव हैं जिन्हें मोनेरा जगत, किसके अंतर्गत इसको रखा गया है दोस्तों? तो मोनेरा जगत में रखा गया। जीवाणु हमारे लिए लाभदायक एवं हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं तथा इनका अध्ययन जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुस्थलीय पौधे के जड़ तंत्र काफ़ी लंबे होते हैं, क्यों होते हैं? मृदा का उच्च
तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। तो कौन सा इसका सही आंसर है दोस्तों? तो इसका आंसर है सी, ए सही है परंतु आर गलत है। यानी मरुस्थलीय पौधे के जड़ तंत्र काफी लंबे होते हैं, यह बिल्कुल सही है। अब मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है, यह बिल्कुल गलत है दोस्तों। अब देखते हैं इसका रीजन। तो मरुस्थलीय पौधे के अंतर्गत कैक्टस, मदार, घिकवार यानी एलोई इत्यादि पौधे आते हैं, जो कि शुष्क वातावरण में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेने की क्षमता रखते हैं। इन पौधों में जड़ तंत्र मृदा से जल मृदा इन पौधों में जड़ तंत्र मृदा से जल की खोज के लिए काफ़ी लंबे हो जाते हैं तथा इनके तने छोटे रूपांतरित एवं कभी कभी भूमिगत होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है मरुस्थली पौधे की जड़ें लंबी होती, क्यों होती है दोस्तों? तो जड़ पानी की तलाश में लंबी हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि कई बार ये पूछ चुका है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी के लिए। नेक्स्ट है मरुस्थल में फ्रियोटोफाइटस मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें क्या होता है दोस्तों, लंबी मूसला जड़ें होती हैं। और ये जड़ें कितनी फीट लंबी होती है? तो 20 से 30 फीट लंबी होती है दोस्तों। तो फ्रियोटोफाइटस मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे हैं जिनमें जल को संचित रखने के विशिष्ट तरीके विकसित हो जाते हैं। इन पौधों की जड़ें अत्यधिक लंबी होती है, जो भूमि में काफ़ी गहराई तक जाकर पानी का अवशोषण करती है। फ्रियोटोफाइटस की जड़ें वस्तुतः 25 से 30 मीटर तक की लंबाई ग्रहण करके भूमिगत जल सतह तक पहुंच जाती है दोस्तों। नेक्स्ट है शुष्क जलवायु के भलीभांति अनुकूलित पेड़ पौधे को कहते हैं। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसको जेरोफाइट्स कहा जाता है, यानी मरुद्भिद कहा जाता है इसको। तो शुष्क वातावरण या मरुभूमि जैसे वातावरण में पाए जाने वाले पेड़ पौधे को मरुद्भिद कहते हैं, जो कि अपने शरीर को शुष्क वातावरण के प्रति पूर्णतया अनुकूलित कर लेते हैं। जल के उत्सवेदन को कम करने के लिए इनकी बाह्य त्वचा मोटी उपचर्म की परत से ढकी रहती है तथा पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो, ये याद रखना है दोस्तों कि इनकी जो पत्तियां हैं वो कांटों में परिवर्तित हो जाती है। इसके अंतर्गत नागफनी, मदार, नेडियम, ब्रायोफिलम इत्यादि पौधे आते हैं दोस्तों। तो ये कुछ एग्जांपल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं। तो मरुभूमि के पादप जो होते हैं अधिकतर मांसल होते हैं दोस्तों। मरुभूमि में पाए जाने वाले पौधे के कुछ भाग जल को संचित रखने के लिए अधिक मांसल तथा स्थूल होते हैं, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, पौधे जो नम युक्त मिट्टी में उगते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाते हैं? तो हेलोफाइट कहलाते हैं दोस्तों। यानी नमकीन मिट्टी में जो उगते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो हेलोफाइट उनको कहा जाता है दोस्तों। लवण यानी हेलोफाइट उन पादपों को कहते हैं जो उच्च लवणता युक्त जल में पैदा होते हैं। नेक्स्ट है, पहला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है। नमकीन पानी में उगाए जाने वाले पौधे को हेलोफाइट, तो पहला तो यही गलत हो गया दोस्तों। नमकीन पानी में उगाए जाने वाले पौधे को थैलोफाइटा नहीं बल्कि हेलोफाइटा कहा जाता है, तो ये गलत हो गया। तो इस हिसाब से तो पहला तो तीन ऑप्शन छाड़ देना, यानी बी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया। ठीक है, अब या तो ए होगा सही या तो डी होगा। अब देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। सुसुप्ता अवस्था तोड़ने वाला हार्मोन जो है दोस्तों कौन सा है? तो साइटोकाइनिन, यह सही है दोस्तों, चौथा सही है। सुसुप्त अवस्था में तोड़ने वाला हार्मोन जो है वह साइटोकाइनिन है। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा, यानी चार और एक जो है बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। तो जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है, अतः कथन एक सत्य है। बीजों की सुसुप्त अवस्था तोड़ने वाला हार्मोन जो है ये याद रखना है आपको, कौन कौन सा है दोस्तों? तो जिबरेलिन और साइटोकाइनिन, अतः कथन चार भी सही है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक एसीटोबैक्टर है, ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों। कोई गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक कौन है? तो एसीटोबैक्टर है, अतः कथन दो असत्य है। नमकीन पानी में उगने वाले पौधे को हेलोफाइटा कहते हैं, हेलोफाइट्स कहते हैं, अतः कथन तीन असत्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। तो जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं यांत्रिक अवलंबन के लिए यह निर्भर करते हैं, जिनको हम लोग एपीफाइट्स का पौधा कहते हैं दोस्तों। तो एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो दूसरे जीवित पौधे पर
उगे या लगे रहते हैं। वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्योंकि उनमें पर्णहरित पाया जाता है। तो ये याद रखना, दूसरे पौधे पर उगते जरूर हैं लेकिन अपना भोजन यह स्वयं बनाते हैं। यह सिर्फ पोषक पदार्थों पोषक पौधों पर यांत्रिक अवलंबन के लिए निर्भर रहते हैं। इन्हें वायुवीय पादप भी कहा जाता है, यानी एरियल प्लांट्स भी कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों इससे रिलेटेड, जिसे आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इनके जड़ें मृदा से नहीं लगी रहती है दोस्तों। तो आपसे पूछ सकता है कि किस पौधे की जड़ें मृदा से नहीं लगी रहती है, तो उनका नाम है एपीफाइट्स। इसके अंतर्गत आर्किड के पौधे, याद रखना इसका एग्जाम्पल कि आर्किड का पौधा जो है इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है दोस्तों, जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधे की आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करते हैं। तो किसके द्वारा करते हैं, तो जड़ों के बालों से इसका अवशोषण करते हैं दोस्तों पौधे। तो पौधे अपनी जड़ों के बालों द्वारा भूमि से जल का अवशोषण करते हैं। जड़ों के बालों यानी रूट से एक प्रकार की पतली भित्ति वाली एक उच्चकीय संरचना है जो जड़ों के बाहरी भाग यानी एपिडर्मिस से निकली होती है। नेक्स्ट है हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। हाइड्रोफाइट किसको कहा जाता है दोस्तों, तो एक जलीय पौधे को कहा जाता है हाइड्रोफाइट्स। बहुत अधिक जल वाले स्थान पर पाए जाने वाले पौधे को क्या कहा जाता है, तो हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है यानी जलोद्भिद कहा जाता है। इनमें बड़े बड़े अंतर कोशिकीय स्थान यानी इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं जिनमें वायु भरी होती है जो कि पौधे के तैरने में सहायक होते हैं। इन पौधों में यांत्रिक ऊतक यानी मैकेनिकल टिश्यूज भी बहुत कम विकसित होता है या उनका पूर्ण अभाव होता है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों हाइड्रोफाइट्स, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है पौधे द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है, तो क्या परिणाम देती है, तो यह जल का प्रकाश अपघटन का परिणाम देती है दोस्तों पौधे द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा। पौधे द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा यानी रेडिएंट एनर्जी का परिणाम जल का प्रकाशीय अपघटन यानी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, जिसमें जल के अणु टूटकर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। याद रखना है कि जल का अणु टूटकर क्या बनाता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और H2 आयन इलेक्ट्रॉन वाहक यानी इलेक्ट्रॉन कैरियर का कार्य करता है। जल का प्रकाशीय अपघटन प्रकाश क्रम में संपन्न होता है। तो याद रखना है कि जल का जो प्रकाशीय अपघटन है वो प्रकाश क्रम में संपन्न होता है दोस्तों। निम्न से किसका सही सुमेल नहीं है, तो किसका सही सुमेल नहीं है, तो तृण भक्षी गौण उपभोक्ता बिल्कुल गलत है, यह प्राइमरी, याद रखना है यह जो है प्राइमरी कंज्यूमर है दोस्तों, याद रखना है यह प्राइमरी कंज्यूमर है कौन, तृण भक्षी। बाकी सहजीवी जो है उत्पादक है सही है, परोपजीवी उपभोक्ता यह भी सही है, अमृत परोपजीवी विधंबक है यह भी सही है दोस्तों, जबकि तृण भक्षी गौण उपभोक्ता नहीं बल्कि प्राइमरी उपभोक्ता है दोस्तों। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, तो प्रथम पोषक अंतर्गत के अंतर्गत कौन आते हैं दोस्तों, तो ये आते हैं हरित पादप। हरित पादप जो है प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। वे सभी पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण हरे रंग के लवक की सहायता से करते हैं, क्लोरोफिल के कारण ही पौधे हरे रंग के होते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। आर्की बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, वे कौन सा है दोस्तों, तो वह मेथेन। मेथेन के उत्पादन के लिए इसका उपयोग किया जाता है आर्की बैक्टीरिया का। आर्की बैक्टीरिया के लक्षण सामान्य जीवाणुओं से भिन्न होते हैं। इसके मिथेनोजेन समूह अवायवीय होते हैं तथा ये दलदल वाले स्थानों और पशुओं के रूमेन में पाया जाता है। इनका उपयोग जो है दोस्तों मेथेन के उत्पादन में किया जाता है। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं, तो दोस्तों अधिकांश जो कीट हैं वह श्वसन वातक तंत्र से करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वातक तंत्र। तो सभी कीटों में श्वसन की प्रक्रिया होती है जिसके दौरान वे ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ग्रहण कर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं दोस्तों, बाहर निकालते हैं। इनमें श्वसन के लिए वायु नलियां यानी एयर ट्यूब्स का जाल बिछा होता है जिसे वातक यानी ट्रैकियल सिस्टम कहा जाता है। यह तंत्र बाहरी वायु को ग्रहण कर शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुँचाने में सहायक होता है। नेक्स्ट है जमी हुई झील के अंदर मछलियाँ जीवित रह सकती है, क्यों जीवित रह सकती है, क्योंकि तलों के नीचे पानी नहीं जमता, इसी कारण मछलियाँ जो है जीवित रहती हैं दोस्तों। सर्दियों के मौसम में जब बाहरी तापमान जल के हिमांक बिंदु से कम हो जाता है तब झील तथा नदियाँ जम जाती है, परंतु इस दिशा में झील या नदी की केवल ऊपरी परत ही जमती है। ऊपरी परत के नीचे जल अपने तरल रूप में ही विद्वान होता है, इसलिए मछलियाँ तथा अन्य जलीय प्राणी जमी हुई झील में ही जीवित रह सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आगामी BPSC के लिए। नेक्स्ट है जल से बाहर निकाल ली जाने पर मत्स्य मर जाती हैं, क्योंकि क्यों मर जाते हैं, क्योंकि वह सांस नहीं ले पाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, सी आंसर होगा।
जल से मत्स्यों का बाहर निकाल दिए जाने पर वे मर जाते हैं क्योंकि वे श्वसन क्रिया यानी रेस्पिरेशन नहीं कर पाती हैं। मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े यानी गिल्स पाए जाते हैं, याद रखना है, जो कि पूर्णतया जल में घुली ऑक्सीजन को ही ग्रहण करने के लिए अनुकूलित होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है, मछलियों में समानता श्वसन होता है तो किसके द्वारा होता है, तो गलफड़ों द्वारा होता है, याद रखना है आपको। सेब में, सेब के फल में लाली का कारण है, तो सेब में फल के लाली का कारण क्या है दोस्तों, तो एंथोसाइनिन है, याद रखना। सेब में फल के लाली का कारण क्या है, तो एंथोसाइनिन नामक लवक पाया जाता है, इसके कारण सेब के फल का जो रंग होता है वो लाल होता है। लाइकोपिन किस में पाया जाता है दोस्तों, तो याद रखना यह टमाटर में पाया जाता है। कैरोटीन किस में पाया जाता है, तो यह गाजर में पाया जाता है। और जैंथोफिल किस में पाया जाता है दोस्तों, तो यह हल्दी में पाया जाता है। ये तीनों के तीनों महत्वपूर्ण पॉइंट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है कि लाइकोपिन टमाटर में, कैरोटीन गाजर में और जैंथोफिल हल्दी में पाया जाता है दोस्तों। और चुकंदर में एक है दोस्तों, चुकंदर में याद रखना है विटामिन नामक वर्णक पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, टमाटर में लाल रंग का कारण है, तो अभी मैंने बताया टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है, तो लाइकोपिन। जैंथोफिल किस में, तो हल्दी में। नेक्स्ट है, पपीते के पीले रंग का कारण है, तो पपीते के पीले रंग का कारण क्या है दोस्तों, तो कैरिका जैंथिन, कैरिका जैंथिन के कारण पपीते का रंग पीला होता है दोस्तों। पपीते का वानस्पतिक जो नाम है दोस्तों, कैरिका पपाया है, इसमें कैरोटीन प्रचुर मात्रा है। आपसे पूछ सकता है कि पपीते में कौन सा प्रचुर मात्रा में पदार्थ पाया जाता है, तो कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि विटामिन ए का प्रीकर्सर होता है। इसमें उपस्थित पैपेन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। पपीते में उपस्थित कैरिका जैंथिन वर्णक के कारण इसका रंग पीला होता है, याद रखना है कैरिका जैंथिन के कारण इसका रंग क्या होता है दोस्तों, पीला होता है। नेक्स्ट है, हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और मिश्र जाति की खोज की, जिसकी लंबाई 11 मीटर तक जाती है और इसके फल का गुद्दा नारंगी का है। यह भारत के किस भाग में खोजी गई, तो यह भारत के किस भाग में खोजी गई है दोस्तों, तो यह भारत के अंडमान द्वीप में खोजी गई है। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण यानी बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने अंडमान द्वीप के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से केले की एक नई प्रजाति को खोजा है, जिसे मूसा इंड अंड मानसेसिस नाम दिया गया। इस नई प्रजाति की ऊंचाई लगभग 11 मीटर है, जबकि सामान्य केले की प्रजाति लगभग कितना मीटर, 3 से 4 मीटर तक ऊँची होती है दोस्तों। गुच्छे में पकने से पहले यह केला हरे रंग का ही रहता है, लेकिन पकने के बाद इसके छिलके पीले और गुद्दे का रंग नारंगी हो जाता है, ये याद रखना है दोस्तों आपको। नेक्स्ट है, निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही स्पीशीज से संबंधित है, तो कौन सा समूह एक ही स्पीशीज से संबंधित है दोस्तों, तो चीनी जो है, अमेरिकी, भारतीय और काले अफ्रीकी जो है एक ही स्पीशीज से संबंधित है दोस्तों। जीवित प्राणियों का समूह चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी एक ही स्पीशीज होमोसेपियंस से संबंधित हैं, जबकि शेष विकल्प में जंतुओं का समूह अलग अलग स्पीशीज से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट है, खमीर एक उदाहरण है, तो खमीर एक कवक का उदाहरण है दोस्तों। खमीर एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव है, याद रखना है। यह शर्करा युक्त कार्बनिक पदार्थ में बहुत आयात में पाए जाने वाला एक विशेष प्रकार का कवक है। ईस्ट और मशरूम, तो ईस्ट और मशरूम क्या है दोस्तों, तो ये दोनों फंगी है यानी फफूंद है। ईस्ट और मशरूम फफूंद अर्थात कवक है, ये पर्ण हरित रहित होते हैं दोस्तों, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है तथा संवहन ऊतक रहित यानी इसमें संवहन ऊतक भी नहीं पाया जाता है, जो कि भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ईस्ट एस्कोमाइसिटीज कुल का, जबकि मशरूम जो है बेसिडियोमाइसिटीज कुल का एक सदस्य है दोस्तों। मशरूम क्या है, तो मशरूम एक कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेशेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम कौन सा है, तो रेशेदार सब्जियों में प्रयोग होने वाला रसेदार सब्जियों में प्रयोग होने वाला मशरूम कौन सा है, तो कवक है। कपास का प्रमुख घटक है, तो कपास का प्रमुख घटक कौन सा है दोस्तों, तो सेलुलोज है। कपास का प्रमुख रासायनिक घटक सेलुलोज है, जिसकी मात्रा 91 से कितना होती है दोस्तों, 94% होती है, जिसमें जल लगभग 6 से 8% तथा सूक्ष्म मात्रा में वसा, प्रोटीन, प्रोटोप्लाज्म, खनिज लवण आदि पाए जाते हैं। तो ये भी VVI सवाल है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, लाइकेन मिश्रित जीव है, तो लाइकेन शैवाल
और कवक के बीच का जीव है दोस्तों, याद रखना है, महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो लाइकेन दो पूर्णतया भिन्न वनस्पति से बना एक द्वैध पादप पौधा है। इन वनस्पतियों में से एक शैवाल तथा दूसरा कवक होता है, किंतु इन दोनों में इनका निकटतम सहचर है कि इनसे बना लाइकेन एक ही पौधा प्रतीत होता है। शैवाल और कवक से मिलने वाला लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं हम लोग, तो उसे क्या जिसे कहते हैं तो क्या कहते हैं उसको, तो म्यूटोलिज्म कहा जाता है दोस्तों। और यह बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया सवाल है। शैवाल और कवक से मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे म्यूटोलिज्म कहा जाता है। इसमें शैवाल तथा कवक दोनों ही समान रूप से लाभान्वित होते हैं। शैवाल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, जो स्वयं एवं कवकी घटक के लिए पर्याप्त होता है। कार्बनिक भोजन के बदले में कवकी घटक शैवाल को जल एवं खनिज उपलब्ध कराते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है लाइकेन, जो एक नग्न चट्टानों पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में इनके सहजीवी सहचर है। तो लाइकेन अभी सेम क्वेश्चन है दोस्तों, किसका घटक है ये, यानी शैवाल और कवक के बीच की कड़ी है लाइकेन। लाइकेन निम्न श्रेणी की ऐसी छोटी वनस्पति का एक समूह है, जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर पाए जाते हैं। इन आधारों में वृक्षों की पत्तियां एवं छाल, प्राचीन दीवारें, भूतल, चट्टान, शिवालय मुख है। वास्तव में लाइकेन दो पूर्णतया भिन्न वनस्पतियों से बना एक द्वैत पादप है। इन वनस्पतियों में एक है शैवाल और दूसरा है कवक, किंतु इन दोनों में इतना निकटतम सहचर है कि इनसे बना लाइकेन एक ही पौधा प्रतीत होता है। इस सहचर में अधिकांश कवक ही होते हैं, जो शैवाल वाले अंग के रूप में थैले की भांति आवरण होते हैं। थैलस के आकार के लिए उत्तरदायी होता है तथा थैलस के आकार के लिए उत्तरदायी दोनों वनस्पतियों की मिश्रित वृद्धि से ही लाइकेन को एक विशेष आकार और संरचना प्राप्त होती है, जिससे लाइकेन कई कुल और जातियों में विभक्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नास्कोपिन किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों नास्कोपिन जो है पोस्ता यानी पोपी से प्राप्त होता है। चिकित्सीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है नास्कोपिन पोस्ता से प्राप्त होता है। हीरोइन प्राप्त होता है, तो हीरोइन किससे प्राप्त होता है दोस्तों? तो हीरोइन प्राप्त होता है अफीम के पोस्ता से। देखिएगा इससे कितना सवाल आया हुआ, इसलिए ये VBI है, ये आपको ध्यान रखना है, ये VBI है आगामी BPSC के लिए, या जो आप स्टेट PCS का देने जा रहे हैं उसके लिए भी यह VBI है। तो हीरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त किया जाता है। यह सफ़ेद रंग का पाउडर है, जो अफीम पोस्ता से प्राप्त मॉर्फिन के संश्लेषण से बनाया जाता है। मॉर्फिन किससे प्राप्त की जाती है, इंपॉर्टेंट सवाल, मॉर्फिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो मॉर्फिन जो है फल से प्राप्त किया जाता है। मॉर्फिन पोस्ता के अपरिपक्व से प्राप्त की जाती है। पोस्ता का पौधा एक आवृत्ति बीजी पादप है, ये याद रखना है कि ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, जिससे अफीम तथा हीरोइन भी प्राप्त किया जाता है। मॉर्फिन शब्द की उत्पत्ति मॉरिफियस से हुई है तथा इसका उपयोग दर्द निवारक औषधि तथा निद्रा कारक के रूप में किया जाता है। मॉर्फिन का सीधा प्रभाव केंद्रीय तंत्रिका यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट है अफीम प्राप्त किया जाता है, तो अफीम प्राप्त किससे किया जाता है दोस्तों? तो अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लैक्टस से। हमें अफीम प्राप्त होता है दोस्तों। तो अफीम के पौधे के दूध को सुखाकर बनाया जाता है। अफीम का दूध निकालने के लिए इसके कच्चे अपरिपक्व फल में एक चीरा लगाया जाता है, जिससे इसका दूध निकलता है, जो कि निकल कर सूख जाता है। नेक्स्ट है अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो यह हमें अधपके फल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अफीम का मुख्य अवयव है, तो अफीम का मुख्य अवयव कौन सा है? तो मॉर्फिन है। काफ़ी VBI सवाल है दोस्तों, ये सब मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ आपको देखने के लिए ये सवाल आगामी VBI से मिल सकते हैं। पैपेवरेसी कुल का प्रमुख पौधा है। इसके अपरिपक्व कैप्सूल के दूधीय लैक्टेट से ओपियम प्राप्त होती है। अफीम से अनेक एल्कोलॉइड जैसे मॉर्फिन, याद रखना है, मॉर्फिन, कोडीन, पैपेवरीन आदि प्राप्त किया जाता है। अफीम में मुख्यतः मॉर्फिन नामक एल्कोलॉइड पाया जाता है। अफीम अनेक प्रकार की औषधियों में शांतिकर यानी सेडेटिव के रूप में प्रयुक्त की जाती है। अफीम की लत हानिकारक होती है। अफीम का वानस्पतिक नाम है, तो अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है दोस्तों? तो याद रखना है पैपेवर सोमनीफेरम के नाम से हम लोग अफीम को जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।
इस उस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के जो नेक्स्ट जो चैप्टर होंगे उनको हम लोग कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।